And the outgoing BJP President Rajnath Singh says he's leaving the party in good shape. He dismisses speculations of a rift between him and Arun Jaitley, saying there are no camps in the party. अटल जी अडवाणी जी ये दोनों हमारे पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं। हाँ, अटल जी थोड़ा इसमें अस्वस्थ हैं, लेकिन वो स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर वो अपनी भूमिका निभाएंगे। अडवाणी जी का जहां तक प्रश्न है, अडवाणी जी आज भी एक्टिव रोल राजनीति में प्ले कर रहे हैं और आगे भी वो करेंगे। बट डू यू फील सम सेंस ऑफ रिग्रेट दैट इन योर टेन्योर एज प्रेसिडेंट मिस्टर अडवाणी कुड नॉट बिकम यू कुड नॉट मेक अडवाणी जी एज प्राइम मिनिस्टर? नहीं नहीं इसकी तकलीफ है निश्चित रूप से, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के परिणाम हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं रहे हैं और हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था अडवाणी जी को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के रूप में। यदि हमारी अच्छी स्ट्रेंथ लोकसभा में आई होती तो निश्चित रूप से अडवाणी जी ही प्राइम मिनिस्टर होते। रिग्रेट है ये? है, इसकी तकलीफ है। नाउ that Mr. Nitin Gadkari has taken over, he's a new president, there are three new people. Will you like to send a message to your cadres that somewhere that authority of the president should remain supreme? Because that is perhaps the most important thing for an organization, that the line of command should remain clear, the president should be, authority should be upheld always. मैं इसे क्लेरिफाई कर देना चाहता हूं कि लाइन ऑफ कमांड यदि किसी के हाथ में होगी तो वो प्रेसिडेंट के हाथ में होगी, और आज के प्रेसिडेंट नितिन गडकरी हैं, नितिन गडकरी के हाथों में ही वो कमांड होगी। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट व्हेनेवर द लाइन ऑफ कमांड गेट्स डिस्टर्ब्ड, व्हेनेवर द प्रेसिडेंट्स अथॉरिटी इज चैलेंज्ड, द पार्टी सफर्स। मैं समझता हूं कि बीजेपी में ऐसा कभी नहीं होने पाया है चार वर्षों तक। आई एम टॉकिंग एन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दैट जनरली किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये बात सही है कि यदि उसकी अथॉरिटी को यदि कोई चैलेंज करेगा तो क्राइसिस तो होगी, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं हुआ है। और मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं कि नितिन गडकरी के साथ भी ऐसा नहीं होने पाएगा।